गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री ने एफएम रिले केंद्र इटावा, गदानिया, लखीमपुर खीरी और नानपारा बहराइच का भी वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने घोषणा की कि 11 दिसंबर से इस अर्थ स्टेशन के जरिए प्रतिदिन 1 घंटे के भोजपुरी कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में सुल्तानपुर, रामपुर व महाराजगंज में FM ट्रांसमीटर की स्थापना का भी ऐलान करते हुए कहा कि अगले 2 साल में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में FM की सुविधा उपलब्ध होगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह अर्थ स्टेशन गोरखपुर से लखनऊ व दिल्ली केंद्र से सीधे जुड़ जाएंगे, जबकि पहले यहां कार्यक्रम रिकॉर्ड कर लखनऊ भेजना पड़ता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से आकाशवाणी का खोया गौरव वापस दिलाया है। इसमें सुदूर गाँव की भी प्रेरणादायी गाथाएं सुनाई देती हैं। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुक्त कंठ से सराहना की, कहा कि कोरोना काल में देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य को संकट से बचाने का कार्य योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दूरदर्शन को अर्थ स्टेशन की सौगात देने पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की 4 दशक पुरानी मांग को पूरी कर दी है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और नेपाल तक के लोगों को मिलेगा। साथ ही सीमाई क्षेत्र में होने वाले भारत विरोधी दुष्प्रचार को रोकने में भी यह केंद्र बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल, महानिदेशक दूरदर्शन मयंक अग्रवाल, महानिदेशक आकाशवाणी N वेणुधर रेड्डी, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ विमलेश पासवान, फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, शीतल पांडे, संत प्रसाद, संगीता यादव, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, दूरदर्शन के अपर महानिदेशक MS अंसारी, उप महानिदेशक उत्तरी क्षेत्र आदित्य चतुर्वेदी, गोरखपुर केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख ब्रजेंद्र नारायण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। So
लोकप्रिय एवं कर्मठ मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन जी, महापौर गोरखपुर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक रमेश पासवान जी, श्रीमती संगीता राय जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री संत प्रसाद जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, सभी माननीय विधायकों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और गहराई से जुड़े हमारे माननीय सांसद अक्षर लाल जी, लखीमपुर खीरी से हमारे विधायक आदर मिसानी जी, इटावा से माननीय विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया जी, यहाँ पर उपस्थित जिला के माननीय अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, दूरदर्शन के हमारे महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल जी, आकाशवाणी के महानिदेशक श्री एन वेणुधर रेड्डी जी, मंच पर सभा में उपस्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी अधिकारी कर्मचारी, जिला के सभी सामान्य अधिकारी उपस्थित, सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सूचना प्रसारण मंत्रालय के इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकाल कर उद्घाटन करने के लिए आप आए हैं। मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय के 25,000 एम्प्लॉयज की ओर से और करोड़ों दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि जब मैं संसद में पहली बार एक सांसद बनकर आया था चौथी लोकसभा में, तब आप मेरे सीनियर सांसद के नाते जो समय मार्गदर्शन किया करते, आज मैं कह सकता हूं चार बार सांसद बनने के बाद जिस तरह से आपने इस संसदीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की आवाज को देश की संसद में बुलंद किया था, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कामकाज की गूंज आज पूरे देश भर में गूंज रही है। इसके लिए मैं भी गोरखपुर वासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। महायोगी गोरखनाथ जी की तपस्थली गोरखपुर और माता पुत्र की ये पावन धरती उत्तर प्रदेश का ये पूर्वांचल क्षेत्र है, जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी ऐसी स्थली है जहां पर स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका इस क्षेत्र की रही है। उनको मेरा नमन, मेरा वंदन,
और चौरी चौरा के शहीदों को मेरा नमन। तो वहीं पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, माननीय योगी जी की इच्छा थी कि भू उपग्रह केंद्र यहाँ पर बने और देश के अलग अलग हिस्सों में एफएम के ट्रांसमीटर्स लगाए जाए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज जहाँ एक और हम गोरखपुर से अर्थ स्टेशन यहाँ से लगाकर जिसका उद्घाटन और इसके साथ साथ इटावा में एफएम ट्रांसमीटर 10 किलोवाट का हो या हमारे दानपुरा में उद्घाटन करने की बात हो 10 किलोवाट के एफएम रेलवे स्टेशन की या लखीमपुर के खदानिया में 10 किलोवाट के एफएम रेलवे सेंटर की बात हो, ये चारों आज उद्घाटन माननीय योगी जी के कर कमलों से हुआ है। मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लगभग 25 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए सैंक्शन किया गया था और आज आपके कर कमलों से बनकर उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किए गए हैं। आदरणीय योगी जी, पहले यहाँ पर अगर कुछ बनता था तो उसको रिकॉर्ड करके लखनऊ भेजा जाता था ताकि उसको लिंक करने के लिए लखनऊ के उपग्रह केंद्र से वहां से भेजा जाए। लेकिन आज के बाद आपको लखनऊ यहां से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके प्रोग्राम अर्थ स्टेशन के माध्यम से यहीं से लखनऊ केंद्र के साथ भी, दिल्ली केंद्र के साथ भी और देश के अलग अलग केंद्रों के साथ जोड़ने का काम भी आज शुरू कर दिया गया। और बॉर्डर के जिला में मैं यही कह सकता हूं, जहां एक और पूरे जिला गोरखपुर की अगर मैं यहां से बात करूं तो उसकी 7 लगते क्षेत्रों में और यहां तक की सीमा पार भी जो हमारी बोली में सुनना चाहते हैं, कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं, जहां रिश्तेदारी उस पार भी इस पार भी है, उनको भी इन कार्यक्रमों का लाभ मिल पाएगा, इसकी व्यवस्था भी यहां से की गई है। यही नहीं, इटावा में जो शुरुआत की गई है एफएम रिले सेंटर की, जो ट्रांसमीटर्स वहां पर लगाए गए हैं, उसका लाभ आपको यहां तक मिलेगा कि उसके कारण आगरा और कानपुर और 7 लगते क्षेत्रों में भी एफएम यानी कि रेडियो के आपके प्रोग्राम पहुंच पाएंगे और 50 लाख से ज्यादा लोगों को केवल इटावा के एफएम ट्रांसमीटर से लाभ मिलेगा। और इसी तरह से जो आपका लखीमपुर के गदनिया में और बहराइच के नानपुरा पारा में जो आज उद्घाटन किए गए उसके माध्यम से 35 लाख और 25 लाख लोगों को उस क्षेत्र में एफएम की सुविधा मिल पाएगी, तो करोड़ों लोगों को आज एक ही दिन में माननीय योगी जी के कर कमलों से आज ये सुविधा मिलने जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इसमें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सदा मानना है कि उत्तर प्रदेश को चाहे तो दूरदर्शन के माध्यम से वहीं पर ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी के कार्यक्रम की और दूरदर्शन के कार्यक्रम की भी इसकी सुविधाएं मिले। मैं आज मन से कहना चाहता हूं कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है और योगी जी ने जो समय समय पर इच्छा जताई है, हम आने वाले समय में 3 और सेंटर जो आदरणीय योगी जी आपने इच्छा व्यक्त की थी, हमने वो सुल्तानपुर, रामपुर और महाराजगंज में भी आपको अगले 8 महीनों के अंदर बनाकर भेजेंगे। इस बात की वायदा भी आपसे मंत्र में करके जा रहा हूं। इसके अलावा भी जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा होगी कि उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में अगर ऑल इंडिया रेडियो के एफएम के ट्रांसमीटर्स की जरूरत होगी तो मोदी सरकार में वो कोई कमी नहीं रखी जाएगी और वहां वहां एफएम के वो ट्रांसमीटर्स लगाने का काम किया जाएगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुझे जितने भी लोग मिलने आए
पार्लियामेंट में भी भाई रविशंकर जी कहते थे कि हमारे नेपाल में जो हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे बॉर्डर के इस पार उस पार जो हमारे प्रियबंधु रहते हैं, उनको भी हमारे कार्यक्रमों का लाभ मिलता है। तो वही तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा कि भोजपुरी भाषा में भी कुछ कार्यक्रम किए जाए। जितनी करदारी बनी इस हिसाब से तो आधे घंटे का कार्यक्रम नहीं बन पाए। ये पहली बार होने जा रहा है कि दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म भोजपुरी भाषा, और हम इसको कांग्रेस की तरह नहीं कि आज घोषणा की तो 70 साल तक इंतजार करना पड़े, नहीं, हम आज घोषणा करने जा रहे हैं योगी जी के सामने करने जा रहे हैं। 11 तारीख से आपको 1 घंटे का कार्यक्रम रोज भोजपुरी में हम लोग दूरदर्शन से प्रसारण कर रहे हैं। तो मेरे जो कलाकार भाई, अब इसमें यह मत कहना कि रवि किशन जी कृष्ण के खाते स्थानीय कलाकारों को भी उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आगे कवार हमारी कला संस्कृति का जो महत्व है उसको अगर कोई और आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है तो मैं सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते आपको वायदा करता हूं, हिंदुस्तान की जो कला संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे ये दोनों विभाग करेंगे। मेरे भाग्य उद्घाटन और साथ ही 4 अन्य परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा मामले और खेलकूद विभाग के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राघव मोहन दास अग्रवाल जी, विमलेश पासवान जी, शीतल पांडे जी, महेंद्रपाल सिंह जी, संत प्रसाद जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, विश्वेश सिंह जी, महानिदेशक दूरदर्शन श्री मयंक अग्रवाल जी, महानिदेशक आकाशवाणी श्री एन वेणुधर रेड्डी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मीडिया से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गोरखपुर के रंगकर्मी और कलाकार उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले महायोगी बाबा गोरख समाज की इस पावन धरती पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री, खेलकूद और युवा मामलों के मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वे मूल रूप से हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और हम सब जानते हैं कि अगले महीने खिचड़ी का मेला आने वाला है। हम सब बाबा गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाते हैं और बाबा गोरखनाथ जी की हिमाचल प्रदेश से ही गोरखपुर में, कांगड़ा से ही गोरखपुर में आए थे और इसलिए आज उनका गोरखपुर में आगमन हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 37 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए आज इस अर्थ स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इससे न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि
बिहार का एक बड़ा भूभाग और नेपाल की एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं थोड़ी हलचल होती है दुष्प्रचार भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त होते हैं उन लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है उस दुष्प्रचार को रोकने में दूरदर्शन केंद्र बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा इस पर स्टेशन के माध्यम से ये मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता रहा है और आज यह यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए यहाँ के सभी नागरिकों की ओर से दूरदर्शन परिवार को और माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही आज आपने यहाँ पर 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का रेडियो का जो इकावा है 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर गदानिया लखीमपुर खीरी और 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर नानपारा बहराइच के आज यहाँ पर 3 एफएम ट्रांसमीटर का भी उद्घाटन किया है। वहां पर हमारे माननीय सांसद बहराइच से शिवलाल गौड़ जी हमारी माननीय विधायक इबावा श्री सरकार भौरिया जी और माननीय विधायक लखीमपुर खीरी श्री रोमी साहनी वहां पर उपस्थित है। मैं उनको इस अवसर पर बधाई देता हूँ तीनों जनपदों के नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात के लिए अत्यंत प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम की घोषणा आपने की जो भोजपुरी में गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र से विशेष प्रसारण की व्यवस्था होगी। हमारी सारी बड़ा अंतर आ सकते हैं आप अंतर आ सकते हैं ये पिछले 4 दशकों से मांग आ रही चली आ रही है और 4 दशकों के इस इंतजार को आपने यहाँ पर पूरा किया और आज यहाँ पर इसके साथ ही 11 दिसंबर से आपने इसकी घोषणा की है। मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और भोजपुरी क्षेत्र की जनता की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से भोजपुरी का प्रसारण भोजपुरी के रंग कर्मियों को एक मंच मिलेगा क्योंकि गोरखपुर तो पहले इस कार्यक्रम को कर चुका है कि यहाँ से उन्होंने भोजपुरी के एक सुपरस्टार को गोरखपुर से सांसद चुना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और आज आपने भोजपुरी को दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से प्रसारण की सुविधा दी है और 11 दिसंबर से सुविधा प्राप्त होगी जिसके लिए मैं भोजपुरी क्षेत्र के लोगों की ओर से हृदय से आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से गोरखपुर वासियों को पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों को गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र और उत्तर प्रदेश को 10 मीटर के 3 एफएम ट्रांसमीटर केंद्रों के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर पूरे प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।